हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरिता पुरी कुकिंग एट होम किचन। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ ही एक बेल आइकॉन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज मैं बनाने जा रही हूँ टूटी फ्रूटी ओट्स केक। ये देखिए कितना ही स्पंची और दिखने में भी कितना बढ़िया लग रहा है। इसमें मैदा बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, इसमें मैंने सूजी और ओट्स डाल के बनाया है। चलिए टूटी फ्रूटी केक बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है देख लेते हैं। टूटी फ्रूटी केक बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप ओट्स का आटा, 1 कप सूजी, 1 कप पीसी हुई चीनी, 1/2 कप टूटी फ्रूटी, 1/2 कप ऑलिव ऑयल, 1/2 कप दही और 1/2 कप दूध, 1/2 टेबल स्पून वनीला एसेंस, 2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, 1 पिंच नमक और 1 बनाना लिया है। टूटी फ्रूटी केक बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका लिक्विड तैयार कर लेते हैं। अभी एक बाउल में हम बनाना को छिलकर डाल देंगे, इसी में हम दही डालेंगे और दूध। अभी हम इसे इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे और अच्छे से मैश कर लेंगे बनाना। जब ये अच्छे से मैश हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसे एक साइड पे रख देंगे। हम इसमें एग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसमें बनाना और दही का इस्तेमाल किया है। इसे केक स्पंची और सॉफ्ट बनता है। अभी हम दूसरा बाउल लेंगे, उसके ऊपर हम छन्नी रखेंगे और जो जितने भी हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें छान लेंगे। अभी हम इसमें बेकिंग सोडा, नमक और बेकिंग पाउडर नहीं ऐड करेंगे। अभी हम ओट्स का आटा, सूजी और चीनी को छान लेंगे। अच्छे से छानने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे जो हमने बनाना का मिक्सचर बनाया था। धीरे धीरे करके ऐड करें और एक स्मूथ बैटर तैयार कर लें। हमने इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा और नमक इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि हमने इसे अभी 10 मिनट भिगो कर रखना है, क्योंकि सूजी जो है वो फूलती है, फूलने के बाद ये जो बैटर है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। अभी हमने इसमें डाला है वनीला एसेंस। अभी हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे और 10 मिनट के लिए एक साइड पर रख देंगे। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अभी हमने इसमें टूटी फ्रूटी ऐड की है, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका बैटर ये देखिए, हमें इसी तरह की इसकी थिकनेस चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं, पर हमें इसी तरह की इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। अभी हम इसमें डालेंगे एक बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक और थोड़ा सा पानी और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने बेकिंग पाउडर लास्ट में इसलिए ऐड किया ताकि जो हमारा केक है वो अच्छे से बने। अगर हम पहले बेकिंग पाउडर डाल देते हैं और 10 मिनट रख देते हैं तो हमारा केक अच्छे से नहीं बनेगा। हमने ये इस तरह का कोई भी हम बेकिंग डिश लेंगे, इसे मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया, उसके बाद बटर पेपर लगा दिया और उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने मैदे को छिड़क लिया था चारों साइड से। अभी इसमें हमने बैटर डाल दिया है। अभी इसके ऊपर टूटी फ्रूटी और ऐड कर लेंगे, इसे केक और भी बढ़िया लगता है। मैंने एक पुरानी कढ़ाई ली है, उसके बीच में मैंने एक स्टैंड रख दिया है और उसके ऊपर मैंने ये बैटर रख दिया है। इसे हम ढक कर लो से मीडियम फ्लेम में 35 मिनट के लिए बेक करने देंगे। ये देखिए 35 मिनट हो गए हैं और ये देखिए इसने साइड से भी छोड़ दिया है। हमारा केक जो है वो बेक हो गया है। अभी हम इसे टूथपिक डाल के चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए टूथपिक एकदम क्लियर आई है, हमारा केक जो है वो अच्छे से बेक हो गया है। अभी हम इसे ठंडा करने के लिए एक साइड पर रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से ये बाहर निकल आया है, बिल्कुल भी चिपका नहीं है, क्योंकि हमने जो उसमें बटर पेपर लगाया था उसके बाद जो डस्ट की थी उससे जो केक है वो आसानी से बाहर आ जाता है। हमारा टेस्टी टूटी फ्रूटी ओट्स केक तैयार है। Thank you for watching.